500 के नोट पर गांधी जी की जगह भगवान राम की फोटो और लाल किले की जगह अयोध्या में बना राम मंदिर, क्या ऐसा नोट सचमुच आ रहा है? 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले मंदिर से जुड़ी अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। साथ ही पिछले कुछ दिनों से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जिसमें 500 रुपए के नोट को कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है। इस नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह भगवान राम की फोटो, गांधी जी के चश्मे की जगह तीर धनुष और दूसरी तरफ लाल किले की जगह राम मंदिर का फोटो लगाया गया है। तस्वीर के साथ लिखा गया है, ऐसे नए 500 रुपए के नोट 22 जनवरी को जारी किए जाने चाहिए, जय श्री राम। कुछ और पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने वाकई ऐसे नए नोट जारी करने का फैसला किया है। लेकिन क्या सच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरह के नोट छापने की दिशा में तैयारी कर रहा है? फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम लाइव ने इस दावे की पड़ताल की है। उनके मुताबिक 500 के नोट पर भगवान राम की तस्वीर सिर्फ एक कल्पना है और RBI इस बारे में नहीं सोच रहा है। बूम लाइव से बात करते हुए RBI के प्रवक्ता योगेश दयाल ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऐसी कोई जानकारी या खबर नहीं है। RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर नो योर नोट सेक्शन में भी किसी प्रकार के भगवान राम के नोट का जिक्र नहीं है। 500 के नोट पर भगवान राम की फोटो किसी राम भक्त की कल्पना हो सकती है, लेकिन सरकार का ऐसा विचार नहीं है।